वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आप सबका बहुत सारा स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ होता है। ऐसा ऑमलेट देखा है? नहीं देखा होगा क्योंकि ये मैंने बनाया है और मेरे हाथ का ऑमलेट बहुत ही टेस्टी होता है। ऐसा मुझे नहीं पता लेकिन लोग कहते हैं। सो अगर कभी ऑमलेट खाने का मन करे तो आप लोग आ सकते हो खाने के लिए, लेकिन फिलहाल ये नोनू का है, छोटी नोनी का, वो ही खाएगी और वो किसी को देगी भी नहीं। आज फिर से धूप सेक रहे हैं और लोग बीमार हैं, थोड़ा ऑफिस से सिक लीव लिया है इसीलिए, तो वो रेस्ट कर रहे हैं और हम धूप सेक रहे हैं। ये वाली धूप इतनी मस्त है और अभी साथ में अमरूद और संतरे फटाफट से, दोनों मेरे फेवरेट फ्रूट हो गए हैं सर्दियों के लिए, खाने भी चाहिए क्योंकि बहुत टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ना नोनू, इतने महंगे संतरे आ रहे हैं आजकल, फिर भी कितने खट्टे आ रहे हैं भाई, हद हो गई। मैं इसको ऐसे छील छील के खाती हूँ ऐसे, मुझे सीधा, कुछ लोग होते हैं ना पहाड़ी को गप कर लेते हैं, वो नहीं, ऐसे छील के खाओ, लेकिन बहुत खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा है। इससे बेटर तो ये है अमरूद, मीठा है, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खाए दो। मेरा मीवी फाइनली मिल गया है और उसका चार्जर भी मिल गया है। सो ये वाला मीवी मैं ढूंढ रही थी बिकॉज मुझे ना इस पे गाने बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, इस पे बजा के डांस करने में अलग ही मजा आता है। और इसका ये ना चार्जर भी खो गया था, सुबह मैंने प्रशांत को बोला तो ही सेड कि ढूंढ ले, और बाहर जो कपड़े फैले हुए थे ना, जो ढेर मैंने दिखाया था उस दिन, उसी के नीचे पूरा दबा पड़ा था। सो आई एम हैप्पी फाइनली के मिल गया। और अभी मुझे डांस करते करते ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, लेकिन मैं साथ साथ अपना तैयार भी हो रही हूँ बिकॉज ना मुझे टाइम नहीं मिला था सुबह से ढंग से थोड़ा बहुत कुछ कुछ करने का। ओए गिर गया। ये जो स्क्रंची है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्यूट है, मैं परसों ही लेके आई थी इसको मार्केट से, तो आज यही वाला लगाऊंगी इसके साथ पोनीटेल बना के, मैच कर रहा है ना। फाइनली बाल शाल तो बन गए हैं, मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ होते जा रहे हैं ना, शैम्पू चेंज कर लिए तभी भी पता नहीं क्या ही हो गया इन्हें। कोई बात नहीं, इनकी केयर करने का टाइम आ गया है और अभी तो आई एम रेडी। सो अभी मुझे कुछ कुछ काम करना है लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि आज मैंने पता है अपना पूरा स्केड्यूल डिसाइड करने का डिसाइड किया है। यस एग्जैक्टली, मैं ना एक डायरी के अंदर नोट करने वाली हूँ कि मैं किस किस टाइम क्या कुछ करूंगी, बिकॉज मैं बहुत 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 ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देती हूँ, पूरी तरह नहीं बट हाँ बहुत एक मेजर पोर्शन मेरे टाइम का वेस्ट हो जाता है, बिकॉज मैं इस चीज़ में ही कंफ्यूज रहती हूँ कब क्या किया जाए। सो इसका एक मस्त तरीका मैंने निकाला, रुको मैं डायरी ला के दिखाती हूँ तुम्हें। ये हमारी एक डायरी है, इसके अंदर हम एफर्मेशंस भी लिखेंगे। एफर्मेशंस मतलब कि पॉजिटिव चीजें। देखो एफर्मेशन का हमारी लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल होता है, ज्ञान की बातें नहीं कर रही, सच्ची बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एफर्मेशंस हमारे और मैनिफेस्टेशंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक एफर्मेशंस तुम्हारे यहाँ नहीं होंगी तब तक मैनिफेस्ट कर नहीं पाओगे, और यहाँ हर टाइम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसमें लिखना है ब्रो, इसमें लिखना है कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें तुम्हारी, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस, और उसके बाद उसे याद करके डेली मैनिफेस्ट करना है और अपने आप से कहना है कि येस आई एम स्ट्रांग इनफ टू अचीव एनीथिंग, बट अच्छी वाली चीजें, ठीक है ना। सो ये वाली डायरी मैंने चूज की है और दिखाऊं तुम्हें, ज्यादा इतरा के मत बोल गाइस। सो अभी हम जा रहे हैं, मेरा स्पेक्स टूट गया है, टूटा क्या, तोड़ दिया, बैठ गई मैं उसके ऊपर, पिचक गया मोटे यार, मैंने बेड पे रखा हुआ था और एकदम से मैं टेढ़ी होके बैठ गई और ये टूट गया है। सो अभी इसे मार्केट में दिखाना है और थोड़ा बहुत सामान लाना है, लाइक एग और बनाना शनाना। सो अभी जा रहे हैं और आज गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्कूटी पे नहीं जा रहे, बिकॉज सामान ऐसा है, अंडे कितने डेलिकेट होते हैं और बाकी चीज़ें भी रखनी है, तो और ठंडी बार बहुत हो रही है। सो हम गाड़ी से जा रहे हैं, वैसे पास में ही जाना है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, पर ठीक है लेट्स गो। कह रहा है वहाँ पे खड़ी रह गाड़ी लेके आऊँगा, एक शॉट लियो, इसको भी व्लॉग में आना है, व्लॉग का चस्का गाइस, व्लॉग का, कोई बात नहीं ले लेते हैं एक एंट्री का, गाड़ी शू करके आएगी उसका शॉट। अभी चल रही है अंदर, बहुत ठंडी है लेकिन गाड़ी के अंदर जाके ठंड लगती है। ओए यार मेरा चश्मा गिर गया, खोलने में ना दरवाजा, यही दिक्कत होती है, व्लॉगिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है, अगर आप साथ साथ में कैमरा पकड़ रहे हो तो आपकी 10-12 चीज़ें तो पक्का बार नीचे गिरेंगी ही गिरेंगी।
बट कोई नहीं, इसका भी अपना एक मज़ा है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, इतना सीख लिया आगे ये भी सीख जाएंगे। सीट बेल्ट लगाते हैं क्या, आप पकड़ोगे 2 मिनट पकड़ो इसको। यस नो नो, तू परमानेंट कैमरामैन क्यों नहीं बनता मेरा, हैं? नहीं नो बोला, नो बोलना, वो गुड्डे अंकल ने तेरा गाड़ी वाला शॉट बेकार किया है। चलो ना, पूरा दिन मेरा ना काफ़ी मोटिवेशन सीखने में निकल गया। लाइक मैं अलग अलग चीज़ें देख रही थी और अलग अलग चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर, प्लस अपने कुछ पुराने दोस्तों से, सिद से भी बात हुई, आज वीनू से भी बात हुई, उनसे बात करके ना वाइब्स काफ़ी अच्छी थी उन दोनों से बात करके। सो बैक टू नॉर्मल, हीलिंग प्रोसेस हमारा चालू है। भगवान जी को हाथ जोड़ देते हैं। कान्हा जी को यहाँ पे ना पूरा स्वेटर वेटर पहना दिया है, किसी दिन मौका लगेगा तो दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी हम निकल चुके हैं भाई, बाहर इतनी सर्दी है लेकिन गाड़ी के अंदर इतनी सी सर्दी भी नहीं लग रही, इतनी सी भी नहीं, गजब है। पूरा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की मार्केट लगती है यहाँ पे। ये हमारे घर के सबसे पास वाली मार्केट है, सेक्टर 34 की मार्केट, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। हमारे साथ समस्या ये है कि अभी पहले हमें गाड़ी पार्क करनी होगी, तब जाकर हम शॉपिंग कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बीच में रश रहता है आगे वाली मार्केट में, फिर भीड़ भड़का इतना होता है, गाड़ी पता नहीं कैसे सेटअप होगा, बट ठीक है, मस्त है। पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे, गाड़ी पार्क कर दी है, कोने में लगाई है, और अभी जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं एग खरीदेंगे। आई गेस यार अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, पहले इतने सस्ते में मिलते थे लेकिन अभी बहुत महंगे हो गए हैं, पर कोई नहीं, चाहिए तो रहते हैं, मैं नहीं खाती हूँ बट दोनों को चाहिए रहते हैं तो उसके लिए लेंगे। बनाना शेक के लिए बनाना भी लेना, यहाँ पे ना पुचका वाला फेमस है बहुत, देखते हैं आज गोलगप्पे खाएंगे या नहीं। 2 दिन से 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है एसिडिटी के चक्कर में, फिर भी मैं मानती तो हूँ नहीं, हैं ले ले गाड़ी थोड़ा और अंदर खिसकानी पड़ेगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स है ना यहाँ पे, हम यूजुअली मैं और नोनू हमेशा आते हैं कुछ छोटा मोटा चाट पकौड़ी वगैरह खाने के लिए, क्योंकि मोमोज वोमोज बहुत टेस्टी। यहाँ पे एक दार्जिलिंग मोमोज वाला है, उसके मोमोज बहुत टेस्टी हैं, और एक गोलगप्पे वाला है, वो प्याज वाले गोलगप्पे बना के देता है, उसके गोलगप्पे भी एक नंबर। देखो मैंने ग्लास पहन लिए, ठंडी इतनी बढ़ गई है। सो वो हम खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, दार्जिलिंग मोमोज वाले के बहुत टेस्टी हैं भाई। अगर तुम यहाँ पे नोएडा में कहीं सेक्टर 35-34 के आसपास रहते हो ना, ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है, सेक्टर 34 की मार्केट में ही है। अगर नियर बाय बताऊँ पॉइंट तो हिमगिरी अपार्टमेंट्स के पास है ये वाली मार्केट। आज गड्डी की सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या चाह रही है मेरी धन्नो, आज क्या ही करके मानेगी, कहीं पे लग ही नहीं पा रही है। मुझे जल्दी से जाना है वहाँ पे जाके खाना है, वहाँ पे है दार्जिलिंग मोमोज, बट आज मैं शायद मोमोज ना खाऊं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ का खाऊं। तो इतनी सर्दी बढ़ती जा रही है, ऊपर से गाड़ी के लिए मैंने बोला था ना पक्का दिक्कत होगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, और वही दिक्कत यहाँ पे हो रही है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। अब नोनू आगे कहीं लेके गया है गाड़ी, और ये आ गया मेरी जान का दुश्मन। यहाँ के तो कुत्ते हैं ना बड़े ख़तरनाक है, 2-3 लोगों को काट चुके हैं। ये वाला फिर भी ठीक है, एक वाइट कलर का यहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ काटता है, तो मैं हमेशा बच के चलती हूँ। हमारी कुत्ती तो इतनी प्यारी है, वो भी काटती है वाला, पर ऐसे नहीं ना जैसे जंगली कुत्ते काटते हैं। इन दोनों को कोई यहाँ पे खाने के नाम पे सिर्फ कागज़ दे गया है बेचारों को। और मैं मार्केट थोड़ा पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे चिकन सूप, लजीज रोल, और प्योर वेज चाप, पिज्ज़ा और टिक्का शिक्का सब मिलता है। वो रे दार्जिलिंग मोमोज, ये जो भैया है ना ये है दार्जिलिंग मोमोज। एक फ्लावर शॉप है जहाँ से हमेशा हम पूजा के लिए भी फूल लेते हैं, और आप बुके भी बनवा सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है ये। किराना स्टोर से हम पहले चकली खरीदेंगे, और मैं नमकीन दिखाती हूँ कितनी कितनी वैरायटी है, बहुत सारे प्लम केक भी आ गए हैं, क्रिसमस का टाइम है ना इसलिए। वॉलनट केक, चोको एगलेस केक, इतनी सारी चीज़ें, हम हमेशा यहीं से शॉपिंग करते हैं, और बहुत ही मस्त मस्त केक्स, अंडे भी लेने हैं, काफ़ी अच्छी शॉप है। गज्जक का मौसम आ गया है गाइस, गज्जक आ जाती है तो पता चल जाता है कि सर्दियां आ गई हैं, इतनी सारी गज्जक है यहाँ पे, सूप। या अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा अंडे, अब अंडे खरीदेंगे। चलो इसको चाहिए थे ब्राउन एग, वो ब्राउन वाले समझ में ही नहीं आए हमें क्या थे, तो हमने वाइट ही ले लिए। 360 के थे, 200 रुपये, 190 के, तो भाई पता नहीं क्या डिफरेंस था, अंकल को खुद नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था, बस नोनू कह रहा था कि वो देसी होते हैं,
और ये विदेशी मुझे होते लग रहा था देसी है वो। तो कुछ उनको जब पता ही नहीं था, फिर हमने कहा जब किसी को पता ही नहीं है तो जो पता है वो ले लेते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। देखो किसी ने इसके लिए यहाँ पे ये डोंगे में खाना रखा है स्ट्रीट डॉग के लिए। ऐसे मैंने भी अपने वाले के लिए रखा था, बट उसने कूड़ा फाड़ दिया, इसलिए अब मैं उसको कुछ नहीं देती। गाड़ी के बाहर एक लड़का मेरे को ऐसे देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था, मतलब नॉर्मली देख रहा था, तो मैंने ऐसे किया। रुक मैं लाइट जला के दिखाती हूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती। हाँ तो वो देख रहा था तो मैंने उसको ना ऐसे किया, देखो ऐसे दो बारी भाग गया गाड़ी के आगे से। नोनू कह रहा तू किसे छेड़ रही थी, मैंने बोला वो लड़का जा रहा था उसको मजा चखा रही थी। भाई बात करनी है तो सीधा आगे करना, ताड़ ताड़ी क्या हो रही है ये बाहर से। चलो हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, यहाँ से खरीदेंगे पनीर और गोलगप्पे खाएंगे। देखो क्या मिला, कान्हा जी के नाम से डांस स्टूडियो है, योगा डांस एरोबिक्स सब कुछ यहाँ पे होता है, देख लो किसी को सीखना है तो। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो। दूसरी मार्केट जहाँ से हम पुचका खाते हैं, ये गढ़वाल पनीर, यहाँ से हम पनीर लेते हैं और जूस भी पीते हैं। सो ये सेकंड मार्केट है यहाँ की, ये भी बहुत अमेजिंग। थोड़ा है उसकी मरम्मत के लिए जा रहे हैं, आईजोन ऑप्टिकल से देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है नहीं तो मुझे शाहदरा ही जाना पड़ेगा दशमेश वाले के पास। जोन ऑप्टिकल्स यहाँ पे जाएंगे। चश्मा और अपना गंदा सा मुंह लेके हम बाहर आ गए क्योंकि उन्हें मेरे वाला डिजाइन भी नहीं मिला और साइज भी नहीं मिला। अब मुझे पक्का पता है मुझे शाहदरा ही जाना पड़ेगा, मुझे मम्मी बुलाती है ना, पर जाने का नहीं, पर जाना ही पड़ेगा। पनीर ले लेते। वर्ल्ड का बेस्ट पुचका, प्याज वाला नींबू वाला एकदम, और सूखा पूरी बहुत टेस्टी, उसमें भैया नींबू और मीठा डाल के देते हैं। केले केले कितना, क्या भाव है? 60 रुपए आधा। फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई, ये भी मिल गए। अब चल रहे हैं घर वापस और घर जाके कुछ बनाएंगे और खाएंगे। अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ। आप में से जो लोग न्यू हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो। लाइक शेयर कॉमेंट एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बाय। सर्दियाँ इन्जॉय करो अच्छे से, दिल्ली की सर्दी तो सभी इन्जॉय करते हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे बहुत एक्सेसिव ठंड लगती है।